हेलो फ्रेंड्स, मैं जय साहू आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल बूम मशीनरी में। दोस्तों, ये वीडियो आप ही के कमेंट्स पे आधारित है। बहुत सारे सब्सक्राइबर का सवाल था कि मैं पोकलैंड ऑपरेटिंग सीखना तो चाहता हूँ, बट मेरे पास किसी भी प्रकार का साधन नहीं है। मैं कहाँ से सीखूँ, इसमें कैसा करियर है, कितना स्कोप है इसका? तो इन सभी सवालों का मैं जवाब इस वीडियो में आपको दूंगा। तो चलिए वीडियो फटाफट शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जहाँ तक स्कोप की बात है, इसका बहुत ही बढ़िया स्कोप है। इसका भविष्य में आपको नौकरी की समस्या बहुत ही कम होगी। इस मशीन का काम लगभग हर जगह पे है, पुल प्रोजेक्ट पे, रोड प्रोजेक्ट में, ब्रिज में, माइनिंग कंपनी में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइट में। अब दूसरा, करियर ग्रोथ की बात जहाँ तक हम लोग करते हैं, ये टोटली डिपेंड करता है आपके मेरिट और टेक्निकल एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे। जितना अच्छा आपका मेरिट रहेगा, जितना अच्छा आपका टेक्निकल एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा, उतना ही अच्छा आपका पोस्टिंग और इंक्रीमेंट होगा। अब ऑपरेटिंग के लिए हम लोग जान लेते हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशन हम लोग को इसमें चाहिए। तो ये जो आप लिस्ट देख पा रहे हैं, ये पूरा लिस्ट आपके काम के अनुसार से, आपके क्वालिफिकेशन के अनुसार से आपका पोस्ट बढ़ता जाएगा। तो चलिए अब डिटेल से हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे नीचे वाला पोस्ट के बारे में हम लोग जान लेते हैं, एक्सकेवेटर हेल्पर। इसमें आपको किसी भी प्रकार का क्वालिफिकेशन या फिर लाइसेंस का दरकार नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं एक्सकेवेटर ऑपरेटर में। इसमें आपको एक हैवी लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों, आरटीओ से आपको बनाना पड़ेगा। दूसरे में दोस्तों, अगर आप आईटीआई हैं तो बहुत अच्छा है दोस्तों एक्सकेवेटर ऑपरेटर के लिए, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों में आईटीआई मांगती है, बहुत सारी कंपनियों में आईटीआई नहीं मांगती है। अगर आपके पास आईटीआई है तो बहुत अच्छा है दोस्तों। तो अब चलते हैं हम लोग तीसरे पोस्ट के बारे में, एक्सकेवेटर टेक्नीशियन और एक्सकेवेटर मैकेनिक। तो इस पोस्ट के लिए आपको दोस्तों आईटीआई होना अनिवार्य है। अगर आप आईटीआई है, वो भी मशीनिस्ट, एमएमबी, मैकेनिक, मोटर, टूल्स और मेंटेनेंस में अगर आपका आईटीआई है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। तो दोस्तों, अगर आपके पास ये डिग्री होगा तो आप इस पोस्ट तक आराम से पहुँच सकते हैं। आप एक्सकेवेटर हेल्पर से लेकर आप टेक्नीशियन तक आप आराम से पहुंच सकते हैं, जिसकी सैलरी काफ़ी होती है। तो दोस्तों, अब हम लोग स्कोप देख लिए, करियर देख लिए। अब हमारा सवाल आता है कि मशीन हम कैसे और कहां से सीख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको शुरुआत तो एक्सकेवेटर हेल्पर से ही करना होगा। दोस्त, इसके लिए आप कर सकते हैं, आपके आसपास में जितना भी कंस्ट्रक्शन साइट है या फिर पुल बन रहा होगा या रेलवे बन रहा होगा, जहाँ पर ये मशीन दिखे आपको, वहाँ पर आप जाइए और वहाँ पे ऑपरेटर से बात कीजिए, या फिर वहाँ पे जो भी अधिकारी होंगे वहाँ उनसे बात करिए कि हमें ये मशीन सीखना है, हेल्पर में मुझे रख लीजिए। तो वो अगर वहाँ पे जगह खाली होगा तो वो रख लेंगे। और सैलरी के रूप में तो ऐसा कुछ है नहीं, फिर भी वो 3,000-4,000 कुछ भी दे सकते हैं उसमें। वो ट्रेनिंग पीरियड आपका है तो आप वहाँ से सीख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप नया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।